हेलो दोस्तों, देखिए ये हमारे पास वीवो का Y55 मॉडल है। इसका टच देखिए टूट चुका है पूरी तरह से और ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आज हम इसमें मशीन की मदद से टच ग्लास कट करके रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि हमारा ज़्यादा समय ना लगे। तो दोस्तों देखिए, हमने फ़ोन को ओपन कर लिया है और हम इसे इस मशीन पे हीट करने के लिए लगा देंगे ताकि हमारा जो इसमें कॉम्बो लगाया गया हो आसानी से रिमूव हो जाए। तो हम आपको रिमूव करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन हीट हो चुका है। अब हम इसको रिमूव करके दिखाएंगे कैसे रिमूव करते हैं। तो हम कटर ले लिए हैं, इसकी मदद से हल्का सा इसे पुश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पन्नी है, हम इसकी मदद से इसे कट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने फ़ोन का कॉम्बो रिमूव कर दिया। अब हम इसको मशीन की मदद से कट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की हमारी जो भी अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ मिल जाए। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाते हैं।
चलो तो देखिए हम इस वायर की मदद से इसे कट करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने डिस्प्ले कट कर लिया है और इसका ग्लू हम साफ करेंगे अच्छे से, इसके बाद आपको चेक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड पर रख देते हैं ताकि समय की बचत हो। इसको हम अच्छे से लिक्विड के माध्यम से साफ कर लेंगे डिस्प्ले को। दोस्तों हम ग्लू को अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारा जो ब्रोकन ग्लास का जो टच है वो अच्छे से चिपक सके। वो समय तो आज इसकी बारह है।
ठीक बा यार, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम बा। देखिए दोस्तों, हम टच का पन्नी निकाल देंगे। अब आपको इस दिखाते हैं, इसमें लगाएंगे। इसमें हम फिटिंग बैठा देंगे, इसके बाद हम इसको कस करके दिखाते हैं, पेंच लगा के ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, हमने लगा दिया, आपको पेंच लगा के दिखाते हैं, फिर हम एक बार और वीडियो को फास्ट फास्ट पर रख देंगे ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों देखिए, फोन ऑन हो रहा है, आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, टच वर्क कर रहा है, देखिए लॉक भी ओपन हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।